वेलकम टू एवरीवन। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ वाह बेटे मौज कर दी ट्रेंडिंग मीम्स इंडियन मीम्स कंप्लीशन। सो गाइस ये एक्चुअली में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे सजेस्ट की थी इस पे रिएक्शन बनाने के लिए। सो गाइस बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। हॉट तेरे मैनर नी छपत तेरे बैनर नी हॉट तेरे मैनर नी छपत तेरे बैनर नी फैशन तू कर दी जिवे काइली जैनर नी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंडा थकता नहीं कर कर के मुंडा थकता नहीं कर कर के तेरी आ तारीफा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। म्यूजिक जिक्र दा दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा तनु बुर्ज खलीफा ओ तनु बुर्ज खलीफा तनु बुर्ज खलीफा ओ तनु बुर्ज खलीफा तनु बुर्ज खलीफा ओ तनु बुर्ज खलीफा तनु बुर्ज खलीफा। तो कुछ और ही समझ रहा था। झूठिया बनाया तुमको। तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हुए इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे कामना पूरी करने के लिए। पर मैंने कौन सी तपस्या की है? जो तुम हर रात को करते हो। जावत अब जाके अपना स्नान संपन्न करो, फिर हम अपना यौन क्रिया प्रारंभ करेंगे। कौन सी क्रिया? सेक्स। रहा नहीं जाता यार, कितनी ऑसम है। रंडा। पढ़ते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, और क्यों ना लगे, जब ये पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कैसे आगे बढ़ेगा जब इस देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेकर जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। कुपोषण बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों को ही जिंदगी भर के लिए कमजोर बना देता है, और जब बच्चे ही मजबूत नहीं होंगे तो देश कैसे मजबूत होगा। तो आइए मिलकर इस खतरनाक दुश्मन के खिलाफ एक जंग छेड़ें। ये वीडियो कोलैबोरेशन वीडियो है सब बीटीसी मीम्स के साथ। भाई के चैनल के डिटेल्स आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, और भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो पक्का है कि आपको भाई का काम काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप जाओ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, उसे प्यार दिखाओ जैसे मुझे दिखाते हो। हम दोनों वाली वीडियो देखिए शायद। अंकल हम दोनों वाली वीडियो देखी पढ़ो। हम दोनों वाली वीडियो देखी। It's
कैसे देखी है? सरकार ने सारी साइट बैन करवा दिए ना। A few moments later. बनके तुसी बटरफ्लाई किथे नू चले आ हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तुसी भी पाकिस्तानी कित्थे दी तू है रानी मैं तेरा बाजीरा बन जा मेरी मुस्तानी इंडियन जा पाकिस्तानी कित्थे दी तू है रानी मैं तेरा बाजीरा बन जा मेरी मुस्तानी कैटरीना कैप तोड़े तो बहुत ही थले रंडियों के ढाबे पे गान मराने के ढाबे पे मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। लेकिन एक सेकंड नहीं जाता, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये तो A long time मैं एक अवार्ड फंक्शन पे गई थी एंड यू नो आई रियली ड्रेस्ड अप एंड वो हाई हील्स थिंकिंग दैट आई वुड बी ओके लेकिन इतने लोगों को मिलना है इतने लोगों से बात करना है एंड माय फीट वर किलिंग मी सो रितेश एंड प्रीति वर हैविंग अ कन्वर्सेशन एंड अनफॉर्चूनेटली अ कैमरामैन ने मेरा एक्सप्रेशन कैमरामैन आप पे कंसंट्रेट कर रहे थे और रितेश किसी और पे अच्छा जो बोलोगे वो करूंगी बाबा पक्का 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 मन बाबू को आई एम सॉरी बाबू वंस मोर पक्का पक्का मन बाबू को बाबू मदर तो Hey, y'all, come look at this. भाई मुझे इन रिश्तेदारों के समझ में नहीं आता इनकी जिंदगी के बस एक मकसद होते हैं किसी तरह तुम्हारे घर वालों के सामने ये प्रूफ कर सके कि तुम उनके बच्चों के कंपैरिजन में तुम घंटा भी कुछ नहीं हो तुम एक नंबर के निकम्मे निठल्ले और नाकारे हो अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है कि लोगों के फोन आने शुरू और बेटा आगे क्या करना अभी नहीं करना कुछ भग चूती है नहीं तुम खुद सोचो 6 सेमेस्टर में 5 बार फेल हुआ फाइनल सेमेस्टर बिना एग्जाम दिए पास हुआ मैं क्या ही कर लूंगा मैं
और अंकल जी सॉरी भरोसे वाले अंकल जी, अगर आपको मेरे करियर की इतनी ही टेंशन है तो एक काम करो, कभी कॉलेज का फी भी दे दिया करो। मैं तुम्हारी क्रश का वास्ता, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मीम हब और पारस प्लेयर्स को। कोई तरीका है भीख मांगने का? ए डीजे गाना बजा, गाना बजा। सो यार गाइस, वीडियो मैंने देख ली है, मेरे एक्चुअली हंसी सी कंट्रोल तो हो रही है वीडियो देखते वक्त। गाइस मैं सबसे पहले जो है थैंक यू करना चाहूँगा अपने उस सब्सक्राइबर का जिसने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम किया और मुझे इसने ये लिंक शेयर किया कि भाई इसके ऊपर आप रिएक्शन बनाओ। उसने सच्चे में मेरा दिन बना दिया, मुझे मज़ा आ गया पूरी तरह देखने में वीडियो को। आप लोगों को भी ज़रूर देखनी चाहिए। मैं एक्चुअली मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं था कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो गाइस जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर लिखा आता है कि बेस्ट इंट्रो, वो जब बुर्ज खलीफा सॉन्ग लेता है बहुत अच्छी नरेटिंग की जगह हंसी आ रही थी। दरम्यान में जो मीम्स आती हैं वो मुझे सबसे, अगर मैं कहूँ कमज़ोर, मुझे मैं अपने मुताबिक मुझे सबसे कमज़ोर वही लगी है जहाँ पर ना वो ज़रा जो होते हैं दो ओल्ड लोग उनकी जो मीम दिखाई गई है वो मुझे इतनी कुछ खास नहीं अच्छी लगी। लेकिन कट टू जब वो बटरफ्लाई सॉन्ग लिखता है जैस मानक का और उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो है सारा आता है, वो एकदम कमाल का था, मज़ा आया उसको देखने में। एक्टिंग उसकी भी लाजवाब की। उसके बाद जो तीन चार मीम्स आती हैं वो भी अच्छी थी। और फिर जो है लास्ट में सब्सक्राइब के बाद जब वो कहते हैं कि क्या तरीका ये भीख मांगने का, वो भी बड़ा अच्छा था। आप लोगों को मैं सच्ची बताऊँ, आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो। यार दिन भर में इतनी टेंशनें होती हैं, एक बार आप देख के हंस लोगे, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, चाहे 10 मिनट के लिए से आपका माइंड जरूर रिलैक्स होगा। सो आई हार्डली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो। सो यार गाइस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी चला था हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट बताएं। और अगर आप लोगों ने मुझे अब तक फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। और आप अगर कोई वीडियो चाहते हैं मैं उसके ऊपर रिएक्शन बनाऊं तो मुझे डीएम करें उसका लिंक वीडियो का। सो यार गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।